अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे? तो आज आप देख रहे हैं मुजम्मिल गेमिंग और मैं आज आप लोग को बताने वाला बेयर है। जैसे थंबनेल में देखा बिल्कुल एग्जिट में आप लोग को बताऊंगा क्या क्या सीन है। तो यार सबसे पहले बेयर है के लिए मैंने आप लोग के लिए यार अपनी आईडी बैन करो सारा खान वाली, इसमें क्या क्या चीज़ें थी मैं आप लोग को वो शो पहले कर देता हूँ, ठीक है? तो वो आप लोग को दिख रही होंगी, ठीक है, पिक्चर साइड में। तो ये मेरे पास चीज़ें थी, ठीक है, मुझे मिली थी, मतलब क्रेट से हेलमेट मिल गया था, ये सब मिल गया था मुझे, ठीक है। तो मैंने यार सोचा कि अब कोई ऐसी वीडियो लाऊं, क्योंकि मुझे ना लोगों के मैं कमेंट देख रहा था ना, जो जो है कि दे रहे थे बियर हैक, तो उसमें यार भाई मेरे से पैसे ले लो, आप ये कर लो। और कुछ लोग फिर यार आपने बियर हैक दिया यार मेरा बैन लग गया, तो वो बोल रहे मुझे प्रूफ चाहिए यार, मैंने स्क्रीनशॉट लड़के बोले नहीं लिया, ये नहीं लिया। तो बोल रहे भाई हमारा तो एंटी चीट बिल्कुल 100% होता है। तो कुछ फिर उनके कुछ होते ना कहते हैं टट्टू मट्टू, तो वो पिक्चर डालते हैं उनके सपोर्ट के लिए, जो उनके ही आपस के ही बंदे होते हैं कि भाई देखो मेरा तो हैक नहीं हुआ, आपका कैसे हो गया, मैं तो कब से यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो हर कोई अपनी मतलब अपने यार पैसे कमाने पे, यार आप अपने पैसे कमाने पे छोड़ो, आप अगर हैक दे भी रहे हो ना तो आप इतना बोलो कि यार एक महीना आपका आराम से गुजर जाएगा आपका ये, लेकिन यार मैं पूरा है नहीं कह सकता कि बैन लग सकता है यार, क्योंकि आप लोग हैक यूज़ करो, ऐसे बोलो यार। आप लोग बोलते हो यार कि एंटी बैंड 100% बाईपास में दूंगा, मुझे बंदे ने दी, ठीक है, वो बंदा बिल्कुल नया नया था, उसने किसी से ट्रिक ली थी, पता चला था, उसने मुझे बाईपास का भी नहीं बोला, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा बैंड लगने वाला है, तो मेरे को पता चल गया था कि मेरा बैंड लगेगा 100%, यार बाईपास नहीं करूँगा ना और टेम फाइल नहीं डिलीट करूँगा तो मेरा बैंड लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल यही चल रहा है बाईपास, और बाईपास करके हैक शायद यूज़ होता है, ठीक है। तो यार मैंने करा, ठीक है, मैंने बाईपास के बिना मैंने बोला भाई बाईपास नहीं करना, बोलता है नहीं ब्रो ये सब एंटी चीट है, ये लो, फिर आप लोग को आपको और चाहिए तो और ले लेना। मैंने चलो यार ठीक है, अगर और चाहिए तो और ले लेंगे इसको, हाँ मैंने लिखा, मैंने भाई एक हफ्ते की और लेंगे, तो मैंने यूँ करके लिखा, ठीक है। तो फिर इसने जैसे ही मुझे हैक दिया ना, मैंने अभी तो लॉग इन करा है, एक बॉट होता है ना बॉट सारा खान वाली आईडी में, एक बॉट अभी तो किल करा है, लिखा हुआ आ गया भाई आपका डिसकनेक्टिंग, वो जो कनेक्टिंग लिखा हुआ आ जाता है डेटा है विद चेंज लिखा हुआ आया। फिर मैंने उसको पिक्चर मैंने 10 मिनट का लगा होगा बाईपास के बिना भी 10 मिनट का लगा होगा, कोई नहीं खैर। मैंने जैसे चेक करा हो भाई 10 साल लिखा हुआ आ गया, मैंने भाई गए मैंने लग गए इस आईडी के भी लग गए, क्योंकि मैं यार मैं आप लोग को सिर्फ आप लोग को बताने के लिए यार मैंने अपनी आईडी, क्योंकि यार मेरा तो पबजी से सच्ची में आधा दिल उतर गया था जब से मेरी रियल अकाउंट, यार उसमें मेरी मेहनत थी जो बात है, ठीक है ना, उसमें ना कोई भी नहीं है कि मतलब कोई पागल नहीं कि अपनी इतनी महंगी आईडी में, क्योंकि कुछ आपस के लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तूने हैक यूज़ करा होगा तब भी तो तेरा बैन हुआ होगा भाई, यार ये फायर नहीं होता, उनको क्या पता यार अपनी रियल आईडी में कोई भी हैक नहीं यूज़ करता, ठीक है ना यार, मेरी इतनी मेहनत थी आज तक मैंने नहीं करा, और मैं इतने से के लिए हैक यूज़ करूँगा तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उनको। बाकी यार तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि यार बेयर हैक मत लो यार, आप लोग खुद सोचो हैक कर रहा है पबजी को, छोटी मोटी चीज़ें कब तक आप बचे रहोगे, इतना महंगा कोई कुछ भाई $200 के हैक बोलते हैं भाई मैंने ये लिया हुआ है, जो यूट्यूबर बेच रहे होते हैं, ठीक है, उनका होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यार वो दूसरों को नहीं दें जो मतलब यार हर कोई ना कुछ करके एक महीने का यार हैक लेने ही करते हैं, जिसके पास होंगे भी ना पैसे वो भी लेने ही करता है। मैं तो बोलता हूँ यार इससे अच्छा ना आप लोग रॉयल पास लो, आरपी बढ़ाओ, मैंने इतने सीजन बढ़ाई आरपी बढ़ा के खेलो गेम, ठीक है, आरपी बढ़ाओ और गेम खेलो यार मस्त, कि आप लोग को क्या चाहिए, और मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यार मेरे साथ तो ये बेयर हैक में मतलब आप लोग को मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा तो बैन लगा, तो यार मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि संकी हैक कुछ भी नहीं लो यार, आप लोग को अगर इतना ही शौक हैक करके खेलने का तो पता है कि संकी हैक में भी कभी ना कभी बैन लगेगा, तो आप लोग वो ले लो, गेस्ट आई डी बनाओ, गेस्ट आई डी में हैक करके खेलो, ठीक है, गेस्ट आई डी में यार तफड़ी करो बस टाइम पास के लिए करो, क्योंकि यार दूसरों के लिए भी हार्ड होता है हैकर, मैं यार खुद गालियां देता हूँ हैकरों को, क्योंकि मेरे साथ स्ट्रीम में आपने अगर मेरी स्ट्रीम देखो तो मेरी स्ट्रीम में हमेशा एक ना एक हैकर आया है, अगर मैं 5 गेमें खेलूँ ना स्ट्रीम में तो मेरी 3 गेमों में हैकर होता है, ठीक है, 2 गेमों में भी ESP वाले होते हैं, लेकिन 3 गेमों में तो भाई पूरे शो, आप लोग को क्या पता है यार कि आप लोग का अगर मेन अकाउंट कभी भी बैन हुआ, वो लोग आप इतनी महंगी की ले लो अपने मेन अकाउंट में यूज़ कर ली, वो लोग क्या आप लोग को रिप्लाई देखेंगे, आप लोग को वो जानते थोड़ी हैं, वो आप लोग के घर के पास थोड़ी रहते कि आप लोग जाके उसको बोलो कि भाई कितने कैसे बैन हुआ, मैं भी अगर मैं बैन हुआ अगर मेरा कोई दोस्त तो मैं उसको 2 दिन के लिए मैंने बेशक की ली थी, लेकिन मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, पीछे से की भी ली सामने वाले का मैं क्या उखाड़ सकता था भाई, क्योंकि वो मेरा कोई जानने वाला नहीं, आप इतना ट्रस्ट करोगे तो भाई करो ट्रस्ट, लेकिन यार
आप लोग ये सोच लो कि कभी भी बैंड हो सकते हैं, कि ये नहीं फिर लोग ना इतने कमेंट के भाई मुझे मेरा हैक बैंड हो गया, तो वो लोग का कोई इतना रिप्लाई नहीं आएगा ठीक है। और कोई कोई तो भाई मेरे को हैक चाहिए यार, हैक कुछ भी करो यार, आप लोग ESP हैक यूज़ करो बाईपास में, मैं बोल रहा हूँ वो, लेकिन बाईपास में ही डाउनलोड करो, मुझे जहाँ तक पता चले मेरे दोस्त और खेलते हैं ठीक है, क्योंकि मेरे एक दोस्त मेरा हैकर है, तो बाईपास मी से ना इतना बैन नहीं, आपको ESP यूज़ करो तो इतना मेरे ख्याल से बैन नहीं लगेगा। तो वो भी अपनी गेस्ट आईडी पे खेलो यार, रियल आईडी पे मत ट्राई करो हैक, अगर आपकी मेहनत वाली आईडी तो क्यों ट्राई कर रहे हो, क्यों अपनी मेहनत की वाट लगा रहे हो। तो ये सब तो यार बच्चों यहाँ करते रहते हैं कि मतलब कि भाई बियर हैक ले लो, तो यार आप लोग को चूतिया काटते हैं और आप लोग चूतिया बनते जाते हैं, तो मत बनो अब से, थोड़ा अपने खुद को यार खुद समझो, इतने समझदार हो बच्चे तो हो नहीं जितने भी हैं, और जो बच्चे हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यार अब बस मेरा काम तो बताना, अब आप लोग की मर्जी, आप लोग को हैक लो ले रहे हो संकी वंकी, यार आप लोग खुद बताओ, पबजी वाला कभी चेंजिंग नहीं करता रहता, हर वक्त पबजी की चेंजिंग आती है, हर वक्त डेटा हैज बिन चेंज होता है, 10 मिनट का तो बैंक 3-4 गेमों में लग जाता है यार, आप लोग को पता है बाईपास से भी। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, मेरी कार 98 वाली वीडियो देखते हुए जाना यार ठीक है, उस कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, कैसे शॉट दिए थे सब बताना। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो। यार देखो मैं खेलते खेलते मतलब बातें करते करते ना मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ठीक है, खेल रहा होता हूँ गेम लाइव, तो मेरे से इसमें नहीं खेला जाता, क्योंकि मैं बात बताने में इतना होता हूँ मगन कि मेरे से खेला ही नहीं जाता। मैं भी मोबाइल में खेल रहा हूँ, आप लोग को मैं अपना रिजल्ट विजल्ट सब शो कर देता हूँ, यार मैं भी मोबाइल में खेल रहा हूँ SID से ठीक है, मैं भी रैंक पुश कर रहा हूँ, मैं भी सब कुछ, मेरे तो 3 अकाउंट की मेरी मेहनत गई, सारा खान स्मार्टी प्रो वाले में मेरा वो तो मेरा अकाउंट में मेरा है अभी तक, और लेकिन वाला अकाउंट था मेरा रियल वाले में रैंक मैंने पुश करा था, इसमें देखो सब मेरे रियल है और ये बॉट नहीं है कोई भी ठीक है, मैंने सब इनके साथ देखो मैंने इनके साथ रैंक पुश करा, ये रहा यजान खालिद, ये हम लोग टॉप 10 में, इधर मेरा ये वाले गेम में मेरा नेट बंद हो गया था सच्ची में, तभी हम लोग टॉप 9 में, इसमें मेरा नेट ही चली गया था ठीक है। ये रहा अजान, ये लोग से मैं खेल रहा था, इनको देख लो प्लेटिनम 1 तक है, गोगू एहसन, एहसन गोगू भी प्लेटिनम। तो यार वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब कुछ कर देना, लास्ट स्टेज।